खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे सियालकोट और गिरदोनवा में। मुसलसल मूसलाधार तूफानी बारिश की वजह से दबरजी अराइया में गलियां, महल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह खड़े पानी से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मजीद इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा अली। जी बिल्कुल, सियालकोट शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ मुसलसल बारिश होने की वजह से मुकद्दर फीडर ट्रिप कर गए और कई इलाकों की बिजली बंद हो गई, जबकि बारिश की वजह से गली महल्ले और घर दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। इंतजामिया की तरफ से मौसम बरसात की आमद से पहले शहर भर की नदी नालों की सफाई भी नहीं करवाई गई। इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नहल की वजह से गंदा पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हमें इस अजियत से बचाएं और गंदे पानी से शहर भर में बीमारियां फैलने का खदशा है। आवाम घरों में मसरूर होकर रह गए हैं, गंदे पानी से गुजरना शहरियों के लिए मजबूरी बन गया। बारिश के बाद पानी और गंदे पानी से मजीद बीमारियाँ फैलने का खतरा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि नालों की सफाई करवाएँ ताकि सड़क और गलियाँ, मोहल्ला, नदी नालों का मंजर ना पेश कर सकें और मुतल्लिका हकाम नोटिस लें ताकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट।